मुजफ्फरपुर में कचड़े से लदा एक ट्रक पलट गया। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो क्रेन से ट्रक हटवाया गया और जब ट्रक की जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। ट्रक के अंदर से लाखों के विदेशी शराब बरामद किए गए। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी फर्दों का है। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए। वहीं मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को क्रेन से उठवाकर थाने ले आई। थाने में छानबीन के दौरान पुलिस की नजर जब ट्रक पर रखे कचरे की ओर गई तो पुलिस को कुछ शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने कचरे में तलाशी लेना शुरू किया। इस बीच पुलिस को ट्रक में बना एक तहखाना दिखा। जब तहखाने की जांच की गई तो अंदर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। दरअसल शराब तस्करों ने ट्रक के भीतर तहखाना बना रखा था। उसमें शराब भरकर कचरा लोड कर दिया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वहीं ट्रक पर हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। ये सूचना मिली कि फर्दो नादा डुमरी के पास एक ट्रक नादे में गिरी हुई है और इसको हम लोग जो है वहाँ से निकलवाए और तहखाना था, तहखाने में शराब की ये बरामदगी हुई है। पता कितनी शराब होगी अब उसका सब जो है काउंटिंग हिमाचल का नंबर है। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के इस अनोखे तरीके की खूब चर्चा हो रही है।